केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानपति को फटकार लगाई है। जन समस्या को लेकर पहुंचे प्रधानपति को वापस लौटाया। प्रधानपति नहीं प्रधान को बुलाओ तब समस्या सुनेंगे। स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा प्रधानपति की परंपरा को खत्म करो। रायबरेली के दौरे पर है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। प्रधान को भेजो, जिसको जनता ने वोट दिया है उसको लेके आओ। जनता की तुम्हारे लिए कौन नहीं हो? जी जी हाँ, तो प्रधान नहीं हो ना, पहले तो ये दुरुस्त करो। जो प्रधान है उसको लाओ। ये प्रधानपति वाली व्यवस्था सांसद पति दिखाई दे रहा है यहाँ पे? प्रधानपति क्यों दिख रहा है? चलो प्रधान को भेजो, जिसको जनता ने वोट दिया है उसको लेके आओ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर तंज। कार्यवाहक डीजीपी को लेकर सरकार पर तंज कसा है। डीजीपी कार्यवाहक नहीं, प्रदेश के मुखिया हैं कार्यवाहक। अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए। भाजपा ने अधिकारियों के जरिए निकाय चुनाव के नतीजों को बदला है। 2024 में बदलाव होगा और भाजपा का सफाया होगा। मुझे तो ये लगता है कि पिछले तीन कार्यवाहक डीजीपी जो लगातार उत्तर प्रदेश को मिले हैं, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यवाहक तो नहीं है। उत्तर प्रदेश का डीजीपी कार्यवाहक नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यवाहक हैं। क्योंकि अगर नीति आयोग के अगर आंकड़े आप देखोगे तो किसी क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ से अहिल्याबाई की रैली निकालने के दौरान बवाल हो गया। मडराक इलाके में अहिल्याबाई की रैली निकालने के दौरान हंगामा हो गया। इधर रैली के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। पथराव के दौरान लोग भी भागते हुए नजर आए और इसका वीडियो भी अब सामने आया है। ये वीडियो आप देखिए, अहिल्याबाई की रैली निकाली जा रही थी, इस दौरान हंगामा हो गया। मडराक इलाका बताया जा रहा है जहां से होकर ये रैली गुजर रही थी, इस दौरान बवाल हो गया और जमकर हंगामा इस दौरान देखने को मिला। आपस में पथराव करते हुए भी लोग नजर आए और इसका वीडियो अब सामने आया है। और आप देखिए पुलिस भी मौके पर मौजूद है और अव्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आई, जिसके बाद भगदड़ मौके पर मच गई। रैली निकालने के दौरान ये बवाल हुआ, जमकर हंगामा इस दौरान हुआ। बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद थे। पथराव के दौरान लोग भागते हुए भी नजर आए और इसका वीडियो भी अब सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अलीगढ़ में मडराक इलाका ये बताया जा रहा है जहां पर अहिल्याबाई की रैली निकाली जा रही थी। कुछ विवाद हुआ जिसके बाद पथराव हुआ और मौके पर हंगामा हो गया। और चलिए प्रदीप फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। प्रदीप फिलहाल मौके पर अभी क्या स्थिति है और ये हंगामा क्यों हुआ? देखिए सुबह का वाक्य है, आज अहिल्याबाई होलकर की जयंती है, उसको लेकर एक समाज ने रैली निकाली थी वहां पर, जिसकी उन्होंने अनुमति प्रशासन से ही मांगी थी। लेकिन प्रशासन ने रैली निकालने की अनुमति नहीं दी थी, सभा करने की अनुमति दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी एक पक्ष ने वहां पर गांव में रैली निकाली, जिसका विरोध कुछ जो दूसरे समुदाय मतलब समुदाय नहीं दूसरे पक्ष के जो लोग थे उन्होंने किया। इस बात को लेकर पहले तो हड़ताल हुई और जी ठीक है। प्रदीप बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं मेरठ में पशु तस्कर अकबर बंजारा की संपत्ति कुर्क। अकबर बंजारा की करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। सरधना के महलका रोड पर मेरठ पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गौ तस्करी की काली कमाई से खरीदी गई जमीन असम में पुलिस मारा गया था। डॉन अकबर बंजारा अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। बड़ी खबर, सरधना के महलका रोड पर मेरठ पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इधर अमेठी के गुंगवाच गांव की प्रधान आशा तिवारी के घर पर फायरिंग हो गई है। अज्ञात बदमाशों पर ग्राम प्रधान के घर फायरिंग का आरोप लगा है। सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की वारदात। 4 लोगों की हत्या मामले में जमानत पर है आशा सिंह। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और आप देखिए किस तरीके से बदमाश दाखिल होते हैं अंदर और मकान पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका खारिज होने से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जिला कोर्ट में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का केस चलता रहेगा। हाई कोर्ट ने जिला जज के 12 सितंबर का फैसला बरकरार रखा है और मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की याचिका आज खारिज कर दी है। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने फैसला दिया है। ये बड़ा झटका आज मुस्लिम पक्ष को लगा है। मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट
की जो याचिका है उसे खारिज कर दिया है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का केस चलता रहेगा। और आपको बता दें इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। जी बहुत ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि मुस्लिम पक्ष हमेशा ये क्लेम करते रहता था कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट से बाधित है। आज वाराणसी की सिविल कोर्ट ने 12 सितंबर को हमारे पक्ष में फैसला दिया था और सेम बात आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर ने कही है जिसमें उन्होंने होल्ड किया कि रिविजन पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है और अंजुमन इंतजामिया की पिटिशन डिसमिस की। आज का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो प्रेजेंट लड़ाई चल रही है धर्म की उसे मील का पत्थर साबित होगा और मुझे उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम भव्य शिव मंदिर वहाँ बनाएंगे, वर्तमान ढांचा वहाँ से हटेगा। 353 साल से हिंदू जनता संघर्ष कर रही है और चाहती है कि ढांचा हटे और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो, और जो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं उनकी भी हम साइंटिफिक जाँच होगी तो मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पर शिवलिंग है। और हमने पूरे परिसर की वैज्ञानिक जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया है तो उसे और भी साबित हो जाएगा कि पूरा परिसर हिंदुओं का। कार्बन डेटिंग मत कहिए, मैंने वैज्ञानिक जांच की बात की है और वैज्ञानिक जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और वो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। फैसला तो हमारे पक्ष में आ गया, उनकी जो है जो अपील उन्होंने किया था जो 7 रूल 11 पर कि ये वाद जो है पोषणी नहीं है उसको माननीय उच्च न्यायालय ने अभी खारिज कर दिया। इनकी जो अपील को ही खारिज कर दिया न्यायालय ने और बहुत बड़ा हर्ष का विषय हमारे लिए कहा जाए कि हिंदू समाज के लिए मंदिर के जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और ये फैसला जो है उच्च न्यायालय का जो है हम लोगों के पक्ष में आने से हम लोगों को बड़ा हर्ष है और ये बहुत बड़ा जो फैसला न्यायालय का है, न्यायालय के इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। ये फैसला जो है 7 रूल 11 पे जो है यहाँ खारिज हो गया था पोषणीता पर कि ये वाद पोषणी नहीं है 693/21 जो बाद में 18/22 जो वाद था राखी सिंह वगैरह का जो मामला था जिसमें 5 महिलाओं ने जो है श्रृंगार गौरी के पूजन और अर्चन के लिए जो दावा किया था उस पर इन्होंने कहा था मुस्लिम पक्ष में कि ये जो है वाद जो है पोषणी नहीं है इसको खारिज कर दिया जाए, जिसको जिला जज ने 12 सितंबर को जो है खारिज कर दिया था। ये फिर अपील जो है इन्होंने हाईकोर्ट में किया और हाईकोर्ट ने अभी अभी लंबी सुनवाई के बाद आज जो फैसला दिया है उसमें अंजुमन इंतजामिया मुस्लिम पक्ष के उस अपील को खारिज कर दिया कि जो है आप ये जो पोषणी नहीं है इसको जो उन्होंने खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। लाइव तस्वीरें दिखाते हैं राजस्थान के अजमेर से जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो देश में टीकाकरण की कवरेज 100% होने में 40 साल और लग जाते और कितनी पीढ़ियां बीत जाती आप कल्पना कर सकते हैं कि जीवन रक्षक टीकों के ना लगने से देश में कितनी बड़ी संख्या में गरीब महिलाओं और बच्चों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता। राजस्थान के भी ऐसे लाखों बच्चों और महिलाओं को बचाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। साथियों, हम सभी ने अपने बचपन में अपनी माँ को लकड़ी पर खाना बनाते देखा है। लकड़ी पर खाना बनाने की वजह से जो धुआं निकलता था वो हर महिला के जीवन पर संकट लाता था। देश की महिलाओं की ये परेशानी भी कांग्रेस को कभी नजर नहीं आई। कांग्रेस शासन में एक गैस कनेक्शन पाने तक के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता था, सिफारिशें लगवानी पड़ती थी। इसलिए 2014 तक सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास ही गैस कनेक्शन था। हम अगर कांग्रेस सरकार की स्पीड से चले होते तो देश के कोने कोने में गैस कनेक्शन पहुंचने में 20 साल और लग जाते। यानी बिना गैस कनेक्शन के एक पीढ़ी और गुजर जाती। मुझे ये स्थिति स्वीकार नहीं थी, इसलिए ही
पिछले 9 साल में बीजेपी सरकार ने देश के 19 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन दिया। इस गैस कनेक्शन ने महिलाओं को स्वास्थ्य भी दिया है और सुविधा भी दी है। साथियों, पानी की एक एक बूंद की कीमत राजस्थान के मेरे भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं। हमारे देश में 2014 तक 18 करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवार थे जहां नल से जल नहीं आता था, पाइप से पानी का कनेक्शन ही नहीं था। बीजेपी सरकार ने बीते 3 साल में 9 करोड़ लोगों को पाइप से पानी के कनेक्शन से जोड़ा है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उसे यही काम करने में 20 साल और लग जाते। जब संकट हल करने में, पानी से जुड़ी चुनौतियों को समाप्त करने में कांग्रेस सरकार कभी आगे बढ़कर काम नहीं करती। कांग्रेस को सिर्फ झूठ बोलना आता है और आज भी कांग्रेस यही कर रही है। साथियों, कांग्रेस ने वीरों की इस धरती और यहां के वीरों के साथ भी हमेशा धोखा किया है। एक कांग्रेसी है जो 4 दशक तक वन रैंक वन पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से विश्वासघात करती रही। कागजों पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर कांग्रेस कहती थी कि वो वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी, जबकि इसके लिए हजारों करोड़ रुपयों की जरूरत थी। भाजपा सरकार ने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया। वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि एरियर के तौर पर पूर्व सैनिकों को मिली है। इसका लाभ राजस्थान के भी करीब करीब 2,00,000 पूर्व सैनिकों को मिला है। वन रैंक वन पेंशन लागू होने की वजह से देश के पूर्व सैनिकों की जेब में अब तक करीब करीब 65,000 करोड़ रुपया गया है। 65,000 करोड़ रुपया दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कहां कांग्रेस के 500 करोड़ रुपए और कहां बीजेपी सरकार के 65,000 करोड़ रुपए। अगर बीजेपी सरकार ना होती तो पूर्व फौजियों को आज भी वन रैंक वन पेंशन का इंतजार ही करना पड़ता। साथियों, कांग्रेस की गलत नीतियों का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ा तो वो देश के छोटे किसान है। छोटे किसानों की जरूरत पर, छोटे किसानों की मदद करने पर कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पहली बार छोटे किसानों की मुश्किलों को समझा, उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश की। हमने छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखकर पिछले 9 वर्ष में कृषि बजट में लगभग 6 गुना वृद्धि की है।
6 गुना वृद्धि। भाजपा सरकार में पहली बार किसानों को लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय हुआ। पहली बार किसानों को बैंक खाते में उनकी उपज का पैसा मिलना सुनिश्चित हुआ। पहली बार किसानों को इनाम के रूप में राष्ट्रीय मंडी मिली है। पहली बार किसी फसल बीमा योजना से किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा मिला है। पहली बार अभियान चलाकर किसानों को बीजों की 2000 नई वैरायटी दी गई है। पहली बार पशुपालकों को, मछली पालकों को उसको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। पहली बार यूरिया की कालाबाजी रुकी है। नीम कोटिंग होने का फायदा किसानों को मिला है। पहली बार किसानों को लिक्विड नैनो यूरिया जैसा मेड इन इंडिया उत्पाद मिला है। पहली बार अभियान चलाकर देश के 11 करोड़ किसानों को 11 करोड़ से अधिक सॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। पहली बार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना शुरू हुई है। इसके तहत अभी तक 11 करोड़ किसानों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। साथियों, ये बीजेपी की सरकार है जिसने गेहूं और धान की खेती के अलावा भी किसानों को आय के दूसरे साधनों पर और ज्यादा काम किया है। पहली बार देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने और एमएसपी पर दलहन की खरीद के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया गया। पहली बार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए हमने अभियान चलाया। लाखों किसानों को सोलर पंप भी दिए। पहली बार देश में प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग के लिए इतना बड़ा अभियान शुरू किया गया। पहली बार शहद का उत्पादन बढ़ाने और उसके निर्यात के लिए भी बीजेपी सरकार ने विशेष मिशन चलाया। पहली बार ज्वार बाजरा जैसे भारत के श्री अन्न को वैश्विक पहचान देने का प्रयास हुआ। पहली बार किसी सरकार ने मोटे अनाज उगाने वाले देश के 2.5 करोड़ किसानों की चिंता की है। भारत के प्रयास से ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इन सब का फायदा यहाँ राजस्थान के किसानों को हुआ है, इस क्षेत्र के किसानों को हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।